तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सॉ फ्रेंचाइज की फिफ्थ इंस्टॉलमेंट सॉ 5 को। मैंने उसके चार पार्ट की एक्सप्लेनेशन आगे अपलोड कर दी है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं और बाद में ये वीडियो देख सकते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमने देखा कि जिग्सो का असल में तीसरा साथी कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव हॉफमैन था। वहीं पे रिग भी फेल हो जाता था और साथ में पीटर स्ट्रॉन्ग भी उस कमरे में बंद हो जाते थे। मूवी शुरू होती है सैथ बैक्स्टर को दिखाते हुए, जो कि एक वर्क बेंच के साथ नेक कॉलर से बंधा हुआ था। जिग्सो की टेप उसे बताती है कि अपने कर्मों के सामने जितना भी टाइम उसने जेल में बिताया है वो काफी नहीं है, और इसलिए अब उसे जिग्सो के इस डेडली ट्रैप में अपनी परीक्षा देनी होगी। उसके ऊपर एक बड़ी सी ब्लेड है जो धीरे धीरे स्विंग करके नीचे आएगी। 30 सेकंड्स में उसका ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अपने आप को बचाने के लिए उसे अपने हाथों को इन वाइसिस में डालना होगा और उस बटन को प्रेस करना पड़ेगा। बटन प्रेस करते ही वो वाइसिस उसके हाथ को क्रश कर देंगे और उस ब्लेड को रोक देंगे। पेंडुलम ब्लेड अपना काम शुरू कर देती है और सेथ को डर के मारे अपने इन कीमती हाथों को उन वाइसिस में डालना पड़ता है और उसे उस बटन को प्रेस करना ही पड़ता है। इस दर्दनाक सिचुएशन के बाद वो वाइसिस उन हाथों को तो बख्श देते हैं, पर पेंडुलम ब्लेड अपनी ही मस्ती में थी, जबकि सेथ ने अपनी परीक्षा को पास कर लिया था। जब वो ब्लेड उसके शरीर को दो हिस्से में डिवाइड कर देती है, तभी सेथ को वहां पे डोर पर किसी की आंख दिखाई देती है। जो बंदा बिहाइंड द स्क्रीन उसे देख रहा था, और अंत में वो उसे बताता है कि तुमने जो कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। और फिर उसके टुकड़े होने के बाद वो नेक कॉलर भी खुल जाता है। अब जिग्सो ने इस विक्टिम को चांस क्यों नहीं दिया, उसका पता हमें आगे चलेगा। फिर सीन बदल जाता है जॉन क्रेमर की उस बिल्डिंग की तरफ, जहाँ पे डिटेक्टिव हॉफमैन जिग्सो का तीसरा साथी, जिसने पीटर स्ट्रॉम को चार डेड बॉडी के साथ उस कमरे में बंद कर दिया था। स्ट्रॉम को वहाँ पे एक डोर मिलता है और साथ ही एक टेप। रिकॉर्डिंग में उसे वार्निंग मिलती है कि उसे इसी कमरे में रहना है जब तक कि उसके साथ ही उसे बचाने ना आए, पर वो उस टेप को इग्नोर करता है और जिग्सो की डेड बॉडी को कहकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में कोई पिग मास्क वाला पर्सन उस पर अटैक कर देता है और उसे बेहोश कर देता है, और जब स्ट्रॉम की आंख खुलती है तो वो अपने आप को जिग्सो के एक डेडली ट्रैप में पाता है, जहाँ पे उसका सर एक ग्लास बॉक्स में लॉक किया था और वो बॉक्स उन पाइप से जल्द ही पानी से भर जाएगा। वो अपनी आखिरी सांस तक पहुंचे उससे पहले ही वो अपनी पेन की मदद से अपनी सांस की नली में एक छेद करके अपने आप को बचा लेता है। दूसरी तरफ पुलिस भी वहां पे पहुंचती है और वहां पे हमें बाहर हॉफमैन दिखाई देता है, जो जेफ की बेटी को बचाकर साथ में बाहर आ रहा था। तभी हॉफमैन पीटर को जिंदा देखकर चौंक जाता है। वो काफी इंजर्ड था बट अब भी जिंदा था, और स्ट्रॉम को दिखाते हुए ये सीन जिग्सो की एक्स वाइफ जिल की तरफ मुड़ जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात जिग्सो के एक लॉयर से होती है और उस लॉयर से उसे पता चलता है कि जिग्सो ने उसके लिए वसीयत में एक टेप रिकॉर्ड की थी, और टेप सुनने के बाद उसे पता चलता है कि जिग्सो ने उसके लिए एक ब्लैक बॉक्स भी वहाँ पे रखा था, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रखी गई थी। उस बॉक्स को वो अपने नेकलेस में रखी हुई चाबी से खोलती है और वो चौंक जाती है। इस बॉक्स के अंदर क्या था वो तो हमें इस मूवी में नहीं दिखाया गया, पर अगले पार्ट में हमें इसके बारे में जरूर पता चलेगा। वहीं पे जिग्सो के मरने के बाद डिटेक्टिव हॉफमैन का भी प्रमोशन हो जाता है, और बाद में हॉफमैन को अपने डेस्क पर एक नोट मिलती है जहाँ पे लिखा होता है आई नो हु यू आर। हॉफमैन को लगता है कि ये नोट पीटर स्ट्रॉम ने लिखी है और इसीलिए वो उससे रिवेंज लेने का सोचता है। बाद में वो एविडेंस रूम में जाकर उसका सेल फोन चुरा लेता है। तभी उसे एजेंट परेस के हॉस्पिटल में बुलाया जाता है, क्योंकि एजेंट परेस की सॉ 4 के इवेंट की वजह से मौत हो गई थी, और उसके आखिरी वर्ड्स से डिटेक्टिव हॉफमैन। स्ट्रॉम वहाँ पे गुस्से में होता है और हॉफमैन से कहता है कि आखिर तुम उस बिल्डिंग से बाहर कैसे निकले। वहीं डिटेक्टिव हॉफमैन भी उसे वापस पूछता है कि पहले तुम बताओ तुम कैसे निकले। हॉफमैन के जाने के बाद वहाँ पे नए FBI स्पेशल एजेंट एरिक्सन की एंट्री होती है, जो अपने कान में ब्लूटूथ रखता है, तो हम उसे ब्लूटूथ एरिक्सन भी बुला सकते हैं। जो बातचीत के लिए स्ट्रॉम के पास आया था और उसे बताता है कि अब उसके ऑर्डर पर उसे इस केस से निकाल दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव हॉफमैन हमें एक अंडरग्राउंड रूम में दिखाई देते हैं, जहाँ पे हमें बाकी के कमरे मॉनिटर्स पर सीरीज में दिखाई देते हैं, जो जिग्सो के नए विक्टिम्स के लिए लगाए गए थे। हम फिर से जिग्सो का एक डेडली ट्रैप देखते हैं, जहाँ पे पांच लोग एशली कैजोन, चार्ल्स सैलोमन, ल्यूबा गिब्स, ब्रिट स्टीवनसन और मैलिक स्कॉट एक नेक कॉलर के साथ रस्सी से बंधे हुए दिखाई देते हैं, और समय खत्म होते ही वो रस्सी उस ब्लेड की तरफ फोर्स से खींचेगी। सभी वहाँ पे कुछ समझे उससे पहले ही बिली दिखाई देता है और उनका स्वागत करता है। इन पांच लोगों को इसलिए चुना गया है क्योंकि उन्होंने अपने एडवांटेजेस को सेल्फिशली वेस्ट कर दिया। बिली वहाँ पे उन्हें कहता है कि वो सभी उन कॉलर्स की मदद से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
बिल के मुताबिक अगर उन्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो उन्हें इन 5 चाबियों को उस बॉक्स से निकालना पड़ेगा। पर उनकी रस्सियाँ इस तरह से सेट की गई थी कि कोई भी एक बंदा एट अ टाइम उस बॉक्स तक पहुँच सकता है, और अगर कोई एक बंदा उस चाबी को लेने के लिए आगे बढ़ेगा तो उनके पास सिर्फ 60 सेकंड ही बचेंगे। साथ ही वहाँ पे 15 मिनट का एक और टाइमर है जो नेल बॉम्ब्स के जार से कनेक्टेड है, और अगर वो उस 15 मिनट के अंदर उस रूम से बाहर नहीं निकले तो वो बॉम्ब्स भी ब्लास्ट हो जाएंगे। सभी वहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो यहाँ पे आए कैसे है और वो कौन सी चीज़ है जो उन्हें एक दूसरों से जोड़ती है। पर मैलिक वहाँ पे चार्ल्स से भड़क जाता है और उस चाबी को लेने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे वो टाइमर भी ट्रिगर हो जाता है। चार्ल्स अपनी स्ट्रेंथ से उसे वापस खींच लेता है और उस चाबी को हासिल कर लेता है। बाद में ल्यूबा और ब्रीड भी अपनी चाबी तक पहुँच जाती है और उसे हासिल कर लेती है, पर मैलिक अपनी की को नीचे गिरा देता है और एशली की बची कुची होप भी पानी में मिल जाती है। खैर मैलिक अपनी की को ले लेता है और टाइमर खत्म होते ही एशली की मौत हो जाती है। सभी उस रूम से टाइम खत्म होने से पहले ही निकल जाता है और ब्रीट उन सभी चाबियों को साथ में ले लेती है। वहीं पे दूसरी तरफ स्ट्रॉम हॉफमैन के रिकॉर्ड्स को चेक कर रहा था तो उसे वहाँ पर सैथ बैक्स्टर का नाम दिखाई देता है, जिसे हमने पहले सीन में देखा था। और वहीं पे ये भी रिवील होता है कि सैथ बैक्स्टर ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया था, और सैथ की जो जीएफ थी वो असल में डिटेक्टिव हॉफमैन की बहन थी। स्ट्रॉम जब बाहर जाता है तब एरिक्सन उसे रोकता है, पर स्ट्रॉम उसे ये कहकर निकल जाता है कि वो सिर्फ यहाँ पे अपनी कुछ चीजों को ही लेने आया था। बाद में स्ट्रॉम सैथ बैक्स्टर के मर्डर सीन को इन्वेस्टिगेट करता है और फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जो आदमी उस डोर के पीछे से सब कुछ देख रहा था वो असल में हॉफमैन था, और फिर उसके मरने के बाद उसने उसके शरीर में जिग्सो का सिंबल काट लिया। और जांच के समय उसने ये बताया कि सैथ को वो जानता था जिसने उसकी बहन को मार दिया था, और टेक्निकालिटी की वजह से उसकी सजा 25 साल से कम करके सिर्फ 5 साल की गई। वहीं स्ट्रॉन्ग भी समझ जाता है कि सैथ की हत्या हॉफमैन ने की है, ना कि जिग्सो ने। दूसरी तरफ अगले रूम में हमें उन 5 लोगों के बारे में पता चलता है। एशली एक फायर इंस्पेक्टर होती है, ल्यूबा एक करप्ट सिटी प्लानर, ब्रीट रियल एस्टेट कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट, मैलिक एक ट्रस्ट फंड ड्रग एडिक्ट, चार्ल्स एक इन्वेस्टिगेट जर्नलिस्ट जो उन चारों के बारे में सब जानता था। और जिग्सो के मुताबिक अगर उन्हें ये टेस्ट पास करना है तो उन्हें इन 4 चैम्बर्स में बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले ही जाना पड़ेगा, पर वहाँ पे इन जार्स में सिर्फ 3 ही चाबियां हैं और उन्हें टास्क पूरा करने के लिए सिर्फ 1 ही मिनट मिलेगा, वरना समय खत्म होते उस रूम में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और उनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। मैलिक वहाँ पे उस चार्ल्स को तोड़ने लगता है कि तभी चार्ल्स उसे मारकर इन सभी चाबियों को निकाल देता है। तभी ल्यूबा उस पर पीछे से अटैक कर देती है और मैलिक उस चाबी को लेकर चैम्बर में चला जाता है। फिर बॉम्ब ब्लास्ट होने से चार्ल्स वहीं पे मारा जाता है। हम डिटेक्टिव हॉफमैन के एक और फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पे सैथ बैक्स्टर के केस के बाद उसके डेस्क पे उसे एक लिफाफा मिला था जिसमें पहले सीन की तरह लिखा था आई नो हु यू आर। तो वही सेम नोट फिर से फ्लैशबैक में हमें क्यों दिखाई दी, और असल में फ्लैशबैक वाली नोट जॉन क्रेमर ने लिखी थी जो वहाँ पे एलिवेटर में उसका इंतजार कर रहा था, और वक्त आते ही उसने हॉफमैन को बेहोश कर दिया। फिर आंखें खुलते उसे अपने सामने एक शॉटगन दिखाई देती है और हॉफमैन अपने आप को जिग्सो की वर्कशॉप में पाता है। जॉन वहाँ पे उसे कहता है कि वो हॉफमैन के बारे में और उसकी बहन के मर्डर के बारे में सब कुछ जानता है, और उसने जो भी किया उससे जिग्सो भी सहमत होता है, पर किसी को इस तरह से मारना ये जिग्सो का रूल नहीं है। जिग्सो हर एक को अपना चांस देता है, और जिग्सो की बातों से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जिग्सो हॉफमैन को अपने साथ रिक्रूट करेगा। जिग्सो उस शॉटगन का ट्रिगर पुल कर देता है और हमें पता चलता है कि वो शॉटगन खाली होती है। जिग्सो वहाँ पे उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो जिग्सो को अरेस्ट कर सकता है, पर उसे सैथ बैक्स्टर की हत्या के बारे में अपने आप को गिरफ्तार करवाना पड़ेगा, या तो वो जिग्सो का स्टूडेंट बनकर उसका साथ दे सकता है। अब वापस हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे हमें हॉफमैन एरिक्सन को कॉल करते हुए दिखाई देता है, और वहाँ पे वो एरिक्सन को हिंट देता है कि स्ट्रॉम जिग्सो का तीसरा साथी है, और साथ ही एरिक्सन को ये भी पता चलता है कि स्ट्रॉम ने जिग्सो की फाइल्स को चोरी कर लिया है। दूसरी तरफ स्ट्रॉम जिग्सो के पुराने विक्टिम पॉल की हत्या के सीन पर पहुंचता है, और तभी हमें एक और फ्लैशबैक दिखाई देता है जिसमें पॉल पर कोई 2 अनजान पिग मास्क वाले आदमी अटैक कर देते हैं। फिर उनके मास्क निकालने पर हमें ये पता चलता है कि वो 2 अनजान आदमी जिग्सो और हॉफमैन थे। वहीं हॉफमैन जिग्सो को बताता है कि एक और डिटेक्टिव है जो उसके नजदीक आ रहा है जिसका नाम डिटेक्टिव टैप है, इसलिए जिग्सो ने हॉफमैन को डॉक्टर गॉर्डन की पेन दी और डिटेक्टिव टैप को डॉक्टर गॉर्डन के पीछे भेजा। और एक और फ्लैशबैक में हमें डिटेक्टिव हॉफमैन जिग्सो की मदद करते हुए दिखाई देते हैं, और वहाँ पे वो जिग्सो को क्वेश्चंस करता है कि आखिर वो इस गेम में अपनी पॉसिबिलिटीज के हिसाब से ही चलता है तो उसने फिर अमांडा यंग को क्यों शामिल किया। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जिग्सो का सबसे पहला साथ डिटेक्टिव हॉफमैन था, जिसके बाद अमांडा यंग की रिक्रूटमेंट हुई। फिर ये सीन उस सीन की तरफ मुड़ जाता है जहाँ पे वो बचे हुए 3 लोग नए कमरे में जाते हैं जहाँ उन्हें एक बाथ टब मिलता है। बिली उन्हें बताता है कि अगर उन्हें इस रूम से बाहर निकलना है तो उन्हें इन 5 इलेक्ट्रिक सर्किट्स को उन 5 कोर्ड से जोड़कर बंद करना पड़ेगा जो डोर में लगे हुए 5 लॉक से कनेक्टेड है। फिर बिली के जाने के बाद तुरंत टाइमर भी शुरू हो जाता है और ल्यूबा मैलिक पर पीछे से अटैक कर देती है, जिससे कि वो इन केबल्स को कनेक्ट कर सके और इस रूम से बाहर निकल सके।
पर ब्रीट ल्यूबा को इलेक्ट्रिक रोड से मार देती है और उसे बाथ टब में डाल देती है। ब्रीट और मैलिक उन पांचों कनेक्शंस को ल्यूबा की बॉडी से अटैच कर देते हैं, जिससे वो दरवाजा खुल जाता है और वो उस रूम से बाहर निकल जाता है। वहीं पे जील एरिक्सन को बताती है कि एजेंट स्ट्रॉम उसका पीछा कर रहा है, जिससे एरिक्सन का शक स्ट्रॉम पर और भी बढ़ जाता है। दूसरी तरफ स्ट्रॉम उन सभी जगह को इन्वेस्टिगेट करता है जहाँ पे पास्ट में जिक्सो के ट्रैप सेट किए गए थे, और उसकी विजिट से हमें कई सारे फ्लैशबैक दिखाई देते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि हॉफमैन ने जिक्सो से ये भी कंप्लेंट की थी कि आखिर वो अमांडा को इतने चांस क्यों दे रहा है। पर तभी जिक्सो उसे कहता है कि वो जो कह रहा है उसी पे ध्यान दो। फिर ये कहकर जिक्सो उसे एक फाइल फोल्डर देता है जिनमें इन पांच लोगों की पिक्चर थी, जिनके लिए उसे जिक्सो के इस गेम का बंदोबस्त करना था। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जिक्सो अपने इस कैंसर पीड़ित हालत में भी तीसरे पार्ट से ही सॉफ्टफाइल के ट्रैप्स की डिजाइन कर रहा था। हॉफमैन फिर अमांडा और लिन के आने से पहले ही वहां से निकल जाता है, और वहीं पे स्ट्रॉम को भी पता चलता है कि इन सभी ट्रैप्स को सेट करने वाला हॉफमैन था। हॉफमैन फिर एरिक्सन को स्ट्रॉम के सेल फोन से कॉल करता है और बाद में उसे रिप्लाई ना करके उस सेल फोन को स्विच ऑफ कर देता है, जिससे कि अब एरिक्सन भी स्ट्रॉम पर विश्वास नहीं करेगा। और हॉफमैन का ये प्लान सक्सेस हो जाता है और एरिक्सन स्ट्रॉम के सेल फोन को लोकेट करने के लिए कह देता है। हॉफमैन फिर वही जगह पर जाता है जहां पर उसने जिक्सो के ट्रैप को सेट किया था। बाद में वो स्ट्रॉम के फोन को ऑन करके वहीं पे टेबल पर रख देता है। वो लोकेटर उस लोकेशन को ट्रैक कर लेती है और एरिक्सन को उस जगह पर जाने के लिए कहती है। मैलिक और ब्रीट उस आखिरी रूम तक पहुंचते हैं और देखते हैं तो वहां पे उन्हें एक बड़ी सी मशीन दिखाई देती है, जिसके अंदर पांच सर्कुलर ब्रेड्स थी पांच होल्स के साथ, और उस रूम से निकलने के लिए उन्हें अपने हाथों को उन पांच होल्स में डालना पड़ेगा और उन बीकर्स को अपने खून से भरना होगा, और तभी जाकर इस रूम का दरवाजा खुलेगा। और जब वो दोनों इस टेस्ट के लिए तैयार होते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि इन सभी गेम्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था जिसमें वो सभी साथ में काम करके उस रूम से बाहर निकल जाते। ब्रीट समझती है कि पहले रूम में जो पांच चाबियां थी वो सभी एक जैसी ही थी, तो पहले रूम में उन्हें सिर्फ एक ही चाबी लेनी थी जिनसे वो पाँचों कॉलर्स के लॉक खुल जाते और वो सभी वहाँ से बाहर निकल जाते। दूसरे रूम के सेफ्टी चैम्बर्स इतने बड़े थे जिसमें एक से ज़्यादा लोग वहाँ पे अपने आप को बचा पाते। थर्ड रूम में उन पांचों को सिर्फ उस इलेक्ट्रिक रोड को पकड़ना था जो उन्हें कम से कम इलेक्ट्रिक शॉक देगा जिससे वो डोर खुल जाएगा, और अगर उन्होंने साथ में काम किया होता तो वो इस जिक्सो के ट्रैप से बच जाते। पर जैसे कि जिक्सो ने पहले बताया था कि वो सभी अपने एडवांटेजेस को सेल्फिशली वेस्ट करते रहे, तो वो सभी यहाँ पे एक सेल्फिश व्यक्ति की तरह काम करेंगे। वहीं पे मैलिक भी रिवील करता है कि उसने सिर्फ हेरोइन के एक्सचेंज पर आठ लोगों को एक बिल्डिंग को जलाकर मार दिया था, पर बिल्डिंग जलाते वक्त उसे ये पता नहीं था कि उस बिल्डिंग में आठ लोग हैं, पर उसके बारे में ब्रीट को पता था। और साथ में ब्रीट भी ये रिवील करती है कि ड्रग डीलर को ये काम करने के लिए उसी ने कहा था, क्योंकि उसे उस बिल्डिंग की प्रॉपर्टी हड़पनी थी। और बाकी के तीन लोग एशली, चार्ल्स और ल्यूबा, जिसने पैसों की वजह से उसके क्राइम को कवर किया। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रॉम हॉफमैन का पीछा करते करते एक घर में जा पहुंचता है जिसे हमने सॉट टू में देखा था, और उस घर को देखने पर यह तो कह सकते हैं कि हॉफमैन ने उस घर को रिनोवेट कर दिया होगा। स्ट्रॉम वहां के उस टनल से एक कमरे तक पहुंचता है जहां उसे एक ग्लास का कॉफिन दिखाई देता है जिसे हमने सॉ 4 में जिक्सो के फ्लैशबैक में देखा था। वहां उसे एक टेप मिलती है जो उसे अपने डिटेक्टिव वर्क के लिए अप्रिशिएट करती है, और यहां पर हमें जिक्सो की नहीं बल्कि हॉफमैन की डिस्टॉर्टेड आवाज सुनाई देती है। टेप उसे कहती है कि अगर उसे यहां से सेफली निकलना है तो उसे उस ग्लास बॉक्स में जाना होगा, तभी वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। और उसी वक्त हॉफमैन भी उस कमरे के बाहर छिपा हुआ था, और जब उससे किसी चीज की आवाज होती है तो स्ट्रॉम उस टेप को स्टॉप करके वहां पे अलर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ ब्रीट और मैलिक अपने हाथों को बलिदान करने के लिए तैयार होते हैं जिससे कि वो उन बीकर को भर सके और यहाँ से बाहर निकल सके। वो दोनों उस बीकर को फील करके अपनी परीक्षा को पास कर लेते हैं और उस डोर का दरवाजा भी ओपन हो जाता है। वहीं पे एरिक्सन भी ट्रैकर के जरिए उस बिल्डिंग तक पहुंचता है तो उसे उस रूम में ब्रीट दिखाई देती है जो बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। वो उसे बताती है कि उन्होंने इस टेस्ट को पास कर लिया है और वो दोनों जीत गए हैं। और ब्रीट की ये हालत देखकर एरिक्सन मेडिकल फैसिलिटीज को जल्दी से वहां पर बुलाता है। तभी उसे वहां पे कुछ एविडेंस मिलते हैं जो हॉफमैन ने स्ट्रॉम को फंसाने के लिए वहां पे रखे थे। उसे वहां पे एक फाइल दिखाई देती है जो स्ट्रॉम ने उस वक्त ऑफिस से चुरा ली थी, और साथ ही वो सेल फोन जो हॉफमैन ने वहां पे रखा था। तो अब यहाँ पे एरिक्सन पक्का यकीन कर लेता है कि स्ट्रॉम ही जिक्सो का साथी है, साथ ही उसे वहां पे अपनी फोटो भी दिखाई देती है। वहीं हॉफमैन उस रूम तक पहुंचता है और देखता है कि स्ट्रॉम उस ग्लास बॉक्स में नहीं है, और वो जान जाता है कि स्ट्रॉम ने उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। स्ट्रॉम हॉफमैन पर पीछे से अटैक कर देता है और उसे उस ग्लास कॉफिन में बंद कर देता है। तभी उस कमरे का दरवाजा भी बंद हो जाता है। स्ट्रॉम उसे कहता है कि यहां से बाहर कैसे निकले, तो हॉफमैन उसे वो टेप सुनने के लिए कहता है। बाकी की टेप सुनने के बाद स्ट्रॉम को पता चलता है कि अगर वो उस कॉफिन में नहीं गया तो वो उस कमरे में ऐसे मरेगा कि उसकी बॉडी भी वहां पे नहीं दिखाई देगी। तभी वो ग्लास कॉफिन भी नीचे जाने लगता है, और टेप स्ट्रॉम को बताती है कि अगर उसने वार्निंग को समझ लिया होता तो वो इस ट्रैप से बच जाता, पर उसने ऐसा नहीं किया और इसीलिए अब वो इस टेस्ट में फेल हो जाएगा।
और अगर वो इस टेस्ट में पास भी हो जाता तो एरिक्सन उसे उन एविडेंस पर गिरफ्तार कर लेता। हॉफमैन उस ग्लास बॉक्स से नीचे चला जाता है और स्ट्रॉम उस कमरे के कॉम्प्रेस होने से उन चारों दीवारों के प्रेशर से मारा जाता है। और फाइनली ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। पूरी मूवी के दौरान टोटल 5 लोग मारे गए, जिसमें से 3 लोग मैन थे और 3 लोग विमेन। तो आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेगी, तो उन वीडियोस के लिए भी तैयार रहना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड हैव अ गुड डे।